कुमार शर्मा ब्रेकफास्ट पर्सनालिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में है समाज सेवी और शिक्षा क्षेत्र में जिनका एक बड़ा नाम है और एक बड़े मुकाम पर है। आइए मुलाकात करते हैं अशोक चौहान जी से और माला चौहान जी से। आपका हमारे शो ब्रेकफास्ट पर्सनालिटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, हमें भी आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अमित जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आप शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, आपने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है, कैसे मैनेज किया आपने? हम लोग शुरू से ही शिक्षा से क्षेत्र से हमें बहुत उम्मीदें रही हैं और किसी ना किसी तरीके से हम लोग इसमें जुड़े ही रहे हैं। माला चौहान मैडम, आपका नाम बड़ा शिक्षा क्षेत्र में है, खिड़की के अंदर एक अलग पहचान रखती है माला चौहान, तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? बहुत इजी है मैनेज करना। सबसे पहले मैं बताऊं, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और जो मेरे माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो भी शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो मान के चलिए कि जो ये शिक्षा क्षेत्र का जो कार्य है, ये मेरे ब्लड में है। आप रुड़की को क्या देना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? हम चाहते हैं कि रुड़की क्षेत्र जो हमारा है, उसकी पहचान ही हमारी यहाँ पर इतने अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, IIT है। तो जो नाम दिल्ली और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज का होता है, वही चाहते हैं कि रुड़की का नाम हमेशा उच्च रहे और हमारा जो रुड़की क्षेत्र है वो हमेशा शिक्षा के नाम से ही जाना जाए। रुड़की के शहर के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो आपकी संस्थाओं में क्या अलग है आपकी संस्था के अंदर की जो रुड़की से सबसे अलग रखती है और सबसे ऊपर का स्थान रखती है? हमारा इसलिए अलग है, सबसे पहले जो हर चीज की जो सबसे पहली जो पहचान होती है वो वहाँ का डिसिप्लिन होता है। मेरे स्कूल का जो सबसे प्राथमिक जो हम लोग बच्चों से और अपने स्टाफ मेंबर से चाहते हैं वो है डिसिप्लिन। तो आई थिंक डिसिप्लिन जहाँ है वहाँ पे अपने आप कार्य उचित होता चला जाता है। आपको क्या लगा कि आपको शुरुआत करनी चाहिए कि भाई हमें शिक्षा क्षेत्र में रहना है? आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ कि हमें शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाना है? मुझे ये हमेशा से, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ब्लड में है शिक्षा, वो मेरे हमेशा जहन में था कि जब हम लोग रुड़की आए थे तो यहाँ पर कुछ ही स्कूल थे, एक या दो या तीन स्कूल थे। तो तब मेरे को लगा कि एक अच्छे स्कूल की यहाँ पर जरूरत है और वो अच्छा स्कूल तभी हो सकता है जब उसके अंदर सब कुछ हो, पढ़ाई के अलावा डिसिप्लिन भी हो, अच्छा स्टाफ हो। तो वो सब चीजें मिला करके आज हमारा स्कूल इन्हीं सभी चीजों से माना जाता है और हमारा रिजल्ट भगवान की दया से पिछले 3 साल से पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे रहा है। तो इसलिए आपका स्कूल सबसे अलग है? बिल्कुल अलग। आपने पढ़ाई, आप दोनों ने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने सारी टोटल पढ़ाई रुड़की से ही जी। 12th तक मैंने केंद्रीय विद्यालय KV1 नंबर है वहाँ से की जी। और उसके बाद फिर मैंने BSc DAV डिग्री कॉलेज से की जी। और उसके बाद मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी जो आज IIT के नाम से मशहूर है, यहाँ से मैंने BE की ग्रेजुएशन की। बहुत बढ़िया। आपने? मेरी सारी स्कूलिंग जो है वो दिल्ली से हुई है। मैं होलीचरण ऑक्सिलियम स्कूल से पढ़ी हूँ, तो आई थिंक जो आज मैं हूँ, जो मेरी ग्रूमिंग हुई है, उस स्कूल की देन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब स्कूल में थी तो मुझे बहुत बड़ा ऑफर भी आया था। उस समय मैं 11th क्लास में पढ़ती थी, तो मुझे वहाँ के गवर्नर ने TV के लिए ऑफर दिया था। मैं उस समय अनाउंसमेंट्स कर रही थी किसी फंक्शन में, प्रवेश चंद्र जी थे उस समय, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि बेटा तुम TV में आना चाहती हो? तो दैट वाज मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो अगले दिन ही मेरे फादर मुझे लेके गए, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि मैं उस समय बहुत छोटी थी और वहाँ पर जो एज था वो 21 एज की रिक्वायरमेंट थी, जबकि मेरी एज उस समय सिर्फ 17 साल की थी। आप दोनों का जो विवाह हुआ वो किस उम्र में हुआ? मैं 17 साल की थी। आपकी सर? 17 साल की थी, मैं 23 साल। अच्छा, तो आपने कैसे मिलकर के काम किया? देखो, हमारी दोनों की आपस में शुरू से ही बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमेशा हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, एक दूसरे से पूछ के, जो मैं क्या करने जा रहा हूँ उसको बताता हूँ, जो ये करती है वो मेरे से पहले पूछ लेते हैं, मेरे से बात करती है, तो कभी कोई किस्म का कोई मतभेद रहता है। आप समाज सेवी भी हैं, तो आप समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, तो आपने क्या क्या काम किए हैं समाज के लिए? देखिए, मुझे तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से ही ये चीज इनहेरिट हुई है, अपने मदर से बहुत बड़ी चीज। जब हम बहुत छोटे थे तो रुड़की में, हम लोग राधा स्वामी हैं बेसिकली, रुड़की में सत्संग ग्रह नहीं होता, तो जिसका बहुत ज्यादा मेरी मदर को इस बात का करता था कि रुड़की में सत्संग ग्रह नहीं है, क्योंकि महाराज जी जो हमारे व्यास वाले हैं उन्होंने कहा था किसी के घर में सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग जो सत्संग है सत्संग नहीं हुआ। तो सबसे पहला जो उन्होंने मदर ने जो
इंडस्ट्रियल एरिया रुड़की में है जो सत्संगर बना था वो उन्होंने एक जमीन दान की, तो वहां से हमें लगा कि भाई हमें कुछ ना कुछ अपने मौका लगा तो मैं कुछ ना कुछ जरूर। तो क्या काम, क्या क्या काम किए हैं आपने समाज के लिए जो आप बताना चाहेंगे? ये चीज मैं नहीं चाहता कि मैं ओपनली बताऊं, लेकिन जब कभी भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और अपने समाज से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहता हूँ। जैसे हम पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं, पंजाबी के मैं 3.5 साल तक मैं रुड़की में जिला अध्यक्ष रहा हूँ और उसके रहते हुए जो भी मैं अपने समाज के लिए कर सकता था मैंने किया और आजकल मैं भारत विकास परिषद समर्पण छात्र पिछले 2 साल से प्रेसिडेंट हूँ, रोटरी क्लब के भी मेंबर हैं। ये तो इन क्लब्स का और इन संस्थाओं का बिल्कुल गुण है कि ये उन तबकों के लिए जो हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं या किसी कारणवश पीछे रह गए हैं उनको हम लोग उठाने का हमेशा किसी न किसी ने। मैम आपके द्वारा, मैम देखिए मेरे द्वारा मुझे जहाँ तक ध्यान है अभी पिछले कुछ साल पहले मैं विमेन एम्पावरमेंट जो है उसकी भी मैं पदाधिकारी रह चुकी हूँ, तो मुझे ध्यान है कि मेरा जबकि टेन्योर बहुत छोटा था उस समय, लेकिन उस टेन्योर में जितना मुझसे हो सका मैंने बहुत किया और चलते जाते जाते एक मुझे अभी भी याद है एक लेडी आई थी मेरे पास, आई थिंक मुस्लिम लेडी ही थी, तो उससे कहा कि वो बहुत ही बेचारी गरीब परिवार की थी, तो वो कह लेगी मैम आप ये एक सहकारी की कोई पोस्ट खाली हुई है तो आप मेरी प्लीज उसमें कुछ मदद कर दीजिए। तो मैंने कहा देखो अभी तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं है कि मेरे को अंदर से था कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं, तो मोहित जी मुझे याद है उस समय इसके उसके अच्छे पद पर थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा देखिए ये एक नीडी लेडी है तो आपसे अगर हो सकता है तो आप प्लीज कर दीजिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके बाद वो लेडी मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आई मिठाई का डिब्बा लेके कि मैं मेरी नौकरी लग गई। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कि मैं चाहे वहां 6 महीने रही 8 महीने रही उस 8 महीने में मैंने एक नौकरी लगाई। आपका प्रयास सफल रहा? सफल था, मैंने एक नौकरी लगाई। सर अभी आपके बारे में सुना जा रहा है कि रुड़की में आगामी समय में मेयर के चुनाव आ रहे हैं, तो सुना जा रहा है जहाँ तक मैंने सुना है, क्या मैदान में आएंगे आप भी? इस बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि रुड़की में जो कार्य हो रहे हैं एक अब ये नगर पालिका नहीं रही, ये एक महानगर बन गया, तो महानगर जब बन जाए तो फिर वो महानगर वाले ही अपना कार्य होने चाहिए कि जो कभी हुए नहीं, तो बस यही इच्छा है कि मैं रुड़की में मेयर बन सकूं अगर ऊपर वालों ने और हमारे शहर के सभी दोस्तों का सब वासियों का प्यार मिला, तो बस मेरी इच्छा यही है कि मैं कहीं रुड़की लेके कुछ करके दिखाना चाहता हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो इस तरीके से करते हैं। आप भी क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? कभी मन हुआ है चुनाव लड़ने से? नहीं, मेरा मन तो जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मैं तो अपने देखिए स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, मेरा स्कूल मुझे सबसे प्यारा है, ये धरती मेरे लिए बहुत पवित्र है और पूजनीय है, तो मेरा तो पैशन शुरू से स्कूल रहा है और मरते दम तक स्कूल ही रहेगा। सर क्या क्या कमियां नजर आती हैं आपको रुड़की के अंदर जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं? देखो सबसे बड़ी कमी तो मैं ये दिखाऊंगा कि हमारा जो रुड़की है ना आज भी हमारी सोच जो पुरानी सोच है वही चली आ रही है। महानगर बनने के बाद इसका एरिया बहुत बड़ा हो गया है, कुछ छोटा रुड़की नहीं रह गया, जो पहले कभी 10-15 वार्ड होते थे पिछले इलेक्शन में 20 वार्ड थे अब इन्होंने 40 वार्ड कर दिए हैं, किलोमीटर के हिसाब से इसके अंदर एडिशन हो चुका है, तो इसके अंदर कार्य भी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ नए विचारधारा के साथ करने होंगे क्योंकि पुरानी सोच और पुराने लहजे से जो कार्य होते हैं उसके साथ इसको एक अच्छा महानगर आप नहीं बना सकते। सर क्या क्या योजनाएं रहेंगी आपको इसको करने के लिए कि भाई मुझे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक रुड़की बहुत बड़ा नगर हो गया है, आज आप मेरे सामने बैठे हैं मेरा ले रहे हैं, तो मैं एक छोटा सबसे बड़ा जो आजकल मुद्दा भी छोटा तो है, छोटा इसलिए कि सफाई वर्ड बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पूरे नेशनल लेवल पे चल रहा है, तो हमारा जो रुड़की का साफ करने का तरीका है वो पुराने ढर्रे पे बेचारे मेहनती लोग दिन रात झाड़ू लेके लगे हुए हैं जो आजकल काम में शोभा भी नहीं देता और उनको उचित उनको पैसा भी नहीं मिल पाता, तो मैंने अभी एक रुड़की के लिए एक रोड स्वीपिंग मशीन वो हमारी अभी हम लोग 25 साल हो गए हैं
इसके उपलक्ष्य में छोटा सा अपनी तरफ से जो हमारी हैसियत है उसकी तरफ से उसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद दूं क्योंकि मैं भी रोटी का निवासी हूं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू प्रीवियस स्कूल इसको स्पॉन्सर अच्छा 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 आपके दो बेटे हैं अभी आपका बेटे बड़े चर्चित रहे हैं तो आपका बेटे एक एक्टिंग में भी है तो दोनों कभी राजनीति में आना चाहेंगे या वो वही रहेंगे अभी तो उनका कोई इस टाइप का विचार नहीं है लेकिन जो मैं हम लोग करते हैं जो थोड़ी बहुत मैं राजनीति करता हूँ उसमें वो हमेशा मेरा साथ देते हैं बिहाइंड द कर्टन वो जो मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ करते हैं आपके परिवार में कभी कोई राजनीति में रहा देखो राजनीति तो मैं कोई नहीं रहा हम शुरू से कांग्रेसी हैं मेरे फादर भी शुरू से जो पार्टीशन के टाइम में वो पंजाब से जो आजकल उसको पाकिस्तान बोलते हैं जो वहां से आए थे वो उसी टाइम से कांग्रेसी हैं तो वही ब्लड अभी तक हमारे अंदर है इसी बीच कुछ मुझे मौका मिला जब मुझे कुछ समय मिला और इस सक्षम हुए इस चीज के लिए कि हम समाज के लिए कुछ करें तो सामाजिक काम में उतरे और राष्ट्र क्या मैं समझूं कि आप कांग्रेस से मेयर के पद के उम्मीदवार रहेंगे मैं उम्मीदवार तो हूँ बाकी हमारे तो हाई कमान की इच्छा है वो क्या चाहती है अगर उन्हें लगेगा कि मैं इस इलेक्शन को अच्छे तरीके से लड़ सकता हूँ और कांग्रेस को विजयी बना सकता हूँ तो जरूर मुझे मौका मिले आपको कैसे लगता है कि वो आपको चुने भाई ये हमारे ये मेयर अच्छे रहेंगे तो पार्टी आपको क्यों चुने मैं मेरे साथी मेरा शहर ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैं इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाऊंगा और वो भी उनका बहुत इतना प्यार है और कोई मेरे साथ लगने के लिए तैयार है जहाँ वो कहेंगे जहाँ कोई मांगेगा उनको जाना पड़ेगा वो जाएंगे भी मेरे साथ इसलिए मुझे लगता है कि मैं चलो आपको उसके लिए एकदम शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी आपको टिकट दे और आप विजयी हो आज एक बात होती है कि माता पिता का जीवन बड़ा योगदान होता है तो आपके माता पिता का आपके जीवन में क्या योगदान है पहले तो मैं बता दूं देखो एक तो मैंने जो संस्कार मेरी मदर ने दिए दुनिया के लिए कुछ करना वो मेरे कुछ ने दिए दूसरा बड़ी चीज मेरी लाइफ के अंदर है मेरी स्टडीज मेरी पढ़ाई तो मेरे फादर बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं वो सिर्फ चार क्लासेस पास है तो उनका बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे सारे अच्छे से पढ़े ठीक है तो रुड़की में उस टाइम यूनिवर्सिटी रुड़की थी जो आज IIT है तो रुड़की का हर बच्चा हर पेरेंट्स जो यहाँ पे रहता था उनकी इच्छा होती थी कि भाई इतना बड़ा कॉलेज हिंदुस्तान में रुड़की में है तो हमारा बच्चा भी यहाँ से पढ़े तो जो उनकी वो सोच थी जो उनकी वो लगन थी मेरे लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया हमेशा और आपने उनका सफल होकर दिखाया कि मैं आप जो आपने कहा है मुझको पूरा करूंगा बिल्कुल जी मैम आपके मेरे भी पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा है आज जो आप देख रहे हो जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे पेरेंट्स से ही मैंने इनहेरिट किया है मेरे पेरेंट्स से हमें हम तीन बहन भाई हैं मेरे दो छोटे ब्रदर्स हैं तो हमें शुरू से ही बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवाई है कॉन्फिडेंस लेवल दिलवाया है मैं एक अच्छी राइटर भी हूँ मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं पोएम छोटी छोटी बहुत अच्छी सी फ्रेम करती हूँ तो ये जो चीज है ये मेरे फादर से मैंने ली है मेरे फादर बहुत अच्छे राइटर हैं बहुत अच्छा लिखते हैं उनकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत बढ़िया है तो वही मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर आ चुकी आ गई है आ चुकी है सर आप और कुछ कहना चाहेंगे रुड़की को कि आपके लिए कुछ करें तो बहुत कुछ है मेरे पास तो मैं 2 घंटे तक तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा जो आप मुझसे कुछ पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा मुझे ज्यादा अच्छा मैंने एक हमारा टैबलेट डाउन होता है अभी क्योंकि अगर हम करते रहेंगे तो लंबी बातें हो जाएंगी और उसमें मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा आपको पसंदीदा अभिनेता कौन सा है धर्मेंद्र और सलमान खान आपका पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन और सलमान खान आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन है हेमा मालिनी हमें आज भी है खाली समय में बैठे होते हैं तो किसके गाने सुनना पसंद करते हैं पसंदीदा गायक कौन है आपका पसंदीदा गायक मेरे जो मोहम्मद रफी जी हैं ना पुराने गाने बड़े अच्छे लगते हैं बड़े पुराने गाने अच्छे लगते तो इसलिए आपके समन में भी दोनों का बहुत अच्छा है बहुत अच्छा टचफुट बहुत अच्छा जी जी जी
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोमाने के लिए। जाते जाते आप रूकी को संदेश देना चाहेंगे? मैं एक आने वाला समय जो है जी, हमारा शहर का समय है जी। मैं सब भाइयों बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँ, जो अपना आप मेयर चुने जी, बड़ा सोच समझ के चुने जी। क्योंकि ये मेयर जो है जी, वो आपकी सेंटर की राजनीति का आदमी नहीं है जी, वो आपकी स्टेट की राजनीति का है जी। वो सिर्फ एक रुड़की शहर के लिए आप बनाएंगे, जिसे भी बनाएंगे उसको रुड़की शहर से काम करना है। आजकल नो डाउट पार्टी के बिना तो कुछ नहीं है, हम भी कांग्रेस पार्टी से चलते हैं, कांग्रेस का एक बने, लेकिन एक आदमी एक आप ऐसा चुने जो अपने शहर के लिए, जिसकी सोच अच्छी हो, विचारधारा अच्छी, उसका विजन अच्छा हो, बस ये रिक्वेस्ट है। मैं सबको पहली बार तो न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये जो नया साल है 2019 ये सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत सारी खुशियां लाए। और जैसे कि सर ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप जो भी मेयर चुने वो ऐसा व्यक्ति चुने जो हमारे सिटी के लिए सोचे और हमारे सिटी को इतना उन्नत करे कि बाहर का व्यक्ति जो भी यहाँ आए वो कहे रुड़की जैसा शहर। आपको उसके लिए भी शुभकामनाएं बहुत। मैं भी अपने शहर के वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अति उत्तम हो, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पंजाबी भाइयों को खासतौर से, और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर हमारे शो की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।